पंजाब और बलूचिस्तान ने पहली PNSC बैनुल सूबाई वीमेंस सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप के पहले रोज अपने मैचेस जीतकर इवेंट का फातेहाना आगाज कर दिया। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को शिकस्त हो गई। KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड पर रंगारंग और पुरवकार इफ्तिताही तकरीब में जापान के कौंसिल जनरल हितोरी मासारू ने गेंद को हिट लगाकर चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मलेशिया के कौंसिल जनरल हजमान अहमद, चीफ फाइनेंस ऑफिसर PNSC सैयद जर्रार हैदर काजमी, सॉफ्ट बॉल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के सदर आसिफ अजीम, सीनियर नायब सदर डॉक्टर फरहान ईसा और दीगर शख्सियात भी मौजूद थे। इस मौके पर मेहमान खुसूसी का कहना था कि पाकिस्तान में सॉफ्ट बॉल का खेल तेजी से फरोग पा रहा है। ये इस बात का गमाज है कि सिंध समेत मुल्क भर में इस खेल का टैलेंट मौजूद है। बैनुल सूबाई वीमेंस सॉफ्ट बॉल चैंपियंस का इनेकाद खुशाइंद है। इससे वीमेंस स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी खेल को मकबूलियत हासिल होगी। माय नेम इज हातोरी मासारू, कंसुल जनरल ऑफ जापान। दिस इवनिंग आई वॉच्ड द गेम, सो आई थिंक people are got so much training and they were wonderful athletes. So softball game is popular in Japan, so I expect that softball game is much more popular in Pakistan as well. Okay, my name is Haiman Hadinata Ahmad, the Consul General of Malaysia here in Karachi. I managed to watch the last match just now between Punjab and Sindh. And it was a very, very good match. You know, the Punjab team, they excel in their games. And I think the Sindh team also have some chances, opportunities. But anyways, both team played very well, and I really congratulate the organizer for having this. Especially during school holidays here in Pakistan, so that everybody could enjoy the game and indirectly give more exposure and awareness about the game in Pakistan. डॉक्टर फरहान ईसा ने मुल्क भर से आने वाली खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का खैर मकदम करते हुए कहा कि इवेंट के शायाना शान अंदाज से इनेकाद में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत ही अमेजिंग हो रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इंटर प्रोविंशियल वीमेंस सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप हो रही है, जिसको कराची में होस्ट किया जा रहा है। KPT के ग्राउंड में है, PNSC मेजर स्पॉन्सर है और पूरे पाकिस्तान की लड़कियां जो हैं वो आई हुई हैं यहाँ पे और उनका मुकाबले हो रहे हैं। ये सिर्फ वो मुकाबले नहीं है बल्कि सॉफ्टबॉल का गेम भी प्रमोट हो रहा है। 2028 के अंदर सॉफ्टबॉल जो है वो अब ओलंपिक्स का हिस्सा होगी और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम उसमें अच्छे तरह से परफॉर्म भी कर सके और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। दूसरा ये है कि आज के इवेंट के अंदर डिप्लोमेट्स भी आए हुए हैं, जैपनीज, मलेशियन, USA, और हम चाह रहे हैं कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी की जाए। और अभी इसके फौरन ही बाद हम एक ट्रायंगुलर सीरीज कर रहे हैं जिसमें US काउंसलेट, जैपनीज काउंसलेट और पाकिस्तानी के आपस में मुकाबले हैं और ये टीमें ज़ाहिर इंटरनेशनली जानी है तो पहले इन ममालिक में भी जाएंगी, इनके प्लेयर्स भी आएंगे। तो इससे एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव एक मैसेज जाएगा, पाकिस्तान का एक सॉफ्ट मैसेज भी जाएगा कि पाकिस्तान सेफ है। जहाँ पर जैसे जनरल आसिम मुनीर इन्वेस्टमेंट्स लाना चाह रहे हैं तो ये स्पोर्ट्स करके दिखाएगी कि एक सेफ्टी का एक कॉन्सेप्ट देगी। और हम बहुत ही ग्रेटफुल हैं यहाँ पे सिंध पुलिस के, जिसने यहाँ पे सिक्योरिटी दी है और हर चीज़ को हमें फैसिलिटेट किया है। इस मौके पर खिलाड़ी भी काफी पुरजोश नजर आए और उनका कहना था कि ऐसे इवेंट से उनके खेल में मजीद निखार आएगा। इस तरह के मैचेस होने चाहिए ताकि हमें इस तरह की फैसिलिटीज मिले और हम बलूचिस्तान से खेल के बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ फिर आगे पाकिस्तान लेवल पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। ये होना चाहिए, स्कूल लेवल पे भी ये गेम होनी चाहिए ताकि और बच्चों को, ज़्यादातर लड़कियों को आगे आने का मौका मिलता है। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुकूमत ने हमारे लिए, खाने पीने का, रहाइश का और वैसे भी गेम का भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा लगा हमें, हमारे कोचिज़ ने बड़ी मेहनत की हम पे, जिस वजह से आज हम लोगों ने मैच विन किया। चैंपियनशिप के इफ्तिताही मैच में पंजाब ने सिंध को एक तरफा मुकाबले के बाद 5-16 से दूसरी इनिंग्स में ही शिकस्त दे दी। यहाँ जो सिचुएशन देखी है हमने यहाँ पे और इतने एथलीट्स मौजूद हैं यहाँ पे और स्पेशली जो फेडरेशन के लोगों से जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस गेम और इसको ये पाकिस्तान में नेक्स्ट हाइट्स पे ले जाना चाहते हैं और PNSC इनके साथ शाना बशाना है और जिस हद तक हमारे साथ हो सकेगा इसको हम लेके चलेंगे साथ। और आज के इसमें इस टूर्नामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से
हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो मे द बेस्ट टीम विन और एक एक एक्साइटिंग टूर्नामेंट हो जो यहाँ सब देखें और इसको एंजॉय करें। पहली PNSC बैनुल सुबाई वेमेन सॉफ्टबॉल चैम्पियनशिप में आज जो कि इफ्तदाई तकरीब या मुनक्किद हुई उसमें हमारे आज के मेहमानाने ग्रामी हिज एक्सीलेंसी कौंसिल जनरल ऑफ जापान सर हतोरी साहब, हिज एक्सीलेंसी द कौंसिल जनरल ऑफ मलेशियन सर हरमैन एर बोथ आर वेरी एक्साइटिंग रिगार्डिंग दिस प्रमोशन ऑफ सॉफ्टबॉल इन पाकिस्तान। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंडेंस हियर। कराची में ये चैम्पियनशिप है और इस चैम्पियनशिप के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ये मेहमान यहाँ पर आए हैं और आपके लिए आए हैं और आज के जो असल में मेहमान खुसूसी हैं वो हमारे पाकिस्तान के तमाम सूबों से आई हुई ये बच्चियाँ हैं जो इस मौसम में अपना बेहतरीन टैलेंट का मुजाहरा करके इस बात को प्रूफ कर रही हैं कि ख्वातीन किसी सूरत मर्दों से कम नहीं। ये पाकिस्तान में विमेंस की पहली इंटर प्रोविंशियल चैम्पियनशिप है और इससे पहले हम नेशनल चैम्पियनशिप मेंस विमेंस की करा चुके हैं, जूनियर की करा चुके हैं, मगर प्रोविंस के लेवल पर पाकिस्तान में इससे पहले ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ था। तो मैं इस इवेंट के इनेकाद पर ख़ास तौर पर अपने टाइटल स्पॉन्सर पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का बेहद मशकूर हूँ, उनके साथ को स्पॉन्सर कॉम्बैक स्पोर्ट्स जिनके जनरल मैनेजर जुबैर माचा साहब, सर थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान में सॉफ्टबॉल के हवाले से अंपायरिंग के शोबे में आज हमारी हैदराबाद की बच्ची अनीला मैविश ने अपना डेब्यू किया है, तो शी इज़ द फर्स्ट लेडी जो कि पाकिस्तान में अब अंपायरिंग के शोबे में आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खिलाड़ी की हैसियत से, कोच की हैसियत से और अब माशाल्लाह सॉफ्टबॉल के खेल में अंपायरिंग के शोबे में भी ख्वातीन खिलाड़ियों की जो है एंट्री हुई है, तो मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ सिंध के लिए बल्कि तमाम सूबों के लिए बड़े ऑनर की बात है।